नमस्कार, gamasan.com में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में नरेश जी मुंद्रे हैं, जो कि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, पूना बेस्ड है, उसके इंदौर के कोऑर्डिनेटर हैं। नरेश जी, आप DICCI के माध्यम से लंबे समय से आप SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ रहे हैं, और रिसेंटली आपने नेशनल SC/ST हब योजना में भी काफी उद्यमियों को फायदा पहुंचाया। ये एग्जैक्टली क्या योजना है ये, और कब स्टार्ट हुई थी? SC/ST हब 2016 में, नवंबर 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस SC/ST हब की घोषणा की गई लुधियाना के अंदर। उसमें 490 करोड़ रुपए का फंड डाला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, और इस योजना के अंतर्गत आपका 1 लाख से लेके करीब करीब 40 करोड़ तक का फंडिंग होता है, जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गया, देन आपका सर्विस इंडस्ट्री आ गया, और खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काफ़ी ये योजना कवर कर रही है और फ़ायदा भी पहुंचा रही है। और इसमें हमारे कुछ हितग्राही जो हैं, उन्होंने आपके हरियाणा बेल्ट में कुछ यूनिटें भी डाली हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और एक अच्छी योजना है। हमारे मध्य प्रदेश में इसके नोडल अधिकारी श्री अपने लघु उद्योग निगम के मिस्टर अनिल थांगले जी हैं, जो कि इस योजना को हमारे बीच सपोर्ट के तौर पे हमारे हितग्राहियों को पहुंचाते रहते हैं, और हम समय समय पर इसका मार्गदर्शन उनसे लेते रहते हैं, और हमारे हितग्राहियों को उनका उनका फायदा उन तक का पहुँचाने का भरसक प्रयास करते हैं। इसमें जैसा कि न्यूज में भी आया था कि प्रधानमंत्री जी ने 490 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा है, जो कि एनुअल बजट है जी। और अगर अपन नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें पॉपुलेशन का, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जनसंख्या में टोटल 25 से 30 करोड़ के आसपास अभी SC/ST की संख्या है, तो क्या ये बजट इनफ है इतनी बड़ी आबादी के लिए? सर, वो ये जो आपका कहना है वो तो उचित है, इनफ तो नहीं है, लेकिन जब इन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया 2016 में, और उसमें काफ़ी हितग्राही को ये स्कीम पता नहीं थी, धीरे धीरे हम लोगों ने डिक्की के माध्यम से इसका प्रमोशन किया, तो स्टार्टिंग वाला जो फंड रहा वो 490 करोड़ रुपए उनके माध्यम से डाला गया, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस फंड को और बढ़ाया जाए, ताकि कम से कम 1000 या 2000 करोड़ तक का ये फंडिंग बना के और हमारे हितग्राहियों तक का पहुँचाया जाए। सर, इसमें हम इस योजना पे थोड़ा कार्यरत हैं, अभी इलेक्शन के कारण उसके बाद की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं कि उसको बेस्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तक का हम इस चीज़ को कैसे पहुंचाएं और उसका कैसे इंप्लीमेंट करें, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही इसका फायदा ले पाए और इस बजट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अभी कुछ OBC नेताओं के द्वारा, जो कि OBC के लिए काम कर रहे हैं ऑल इंडिया में, उनके द्वारा नेशनल OBC हब का भी मांग की गई, कि जिस तरह से नेशनल SC/ST हब चल रहा है, उसी तरह से OBC के जो उद्यमी हैं, OBC जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग 52% है, और ऐसा अनुमान है कि भारत की जो कुल OBC जनसंख्या 72 करोड़ है जी, तो उनके लिए भी एक OBC हब लाने की भी मांग हो रही है, तो क्या ये आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर, बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, तो OBC अगर हब बनता है तो हमारे जो OBC भाई हैं, जिनको अभी तक का इस तरीके की योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पाया है, और हम भी कोशिश ये लगे हुए हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उनका भी एक मतलब योगदान हो, क्योंकि MSME सेक्टर और NSIC, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी फोकस भी किया है, कई सारे प्रोग्राम्स भी वो चला रहे हैं, जिसमें स्किल इंडिया भी है सर, SC/ST हब है, और बाकी और भी कई प्रोग्राम्स हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम द्वारा जो आपने हमें क्वेश्चन किया कि OBC को भी कहीं ना कहीं इस हब के माध्यम से फ़ायदा मिलना चाहिए, तो अगर OBC अगर इस तरीके से थोड़ा सा सीरियसली होते हैं और हमारे गाइडनेस में कहीं उनको सपोर्ट लगता है, तो हम OBC हब के लिए उनको गाइडनेस भी दे सकते हैं, और बिल्कुल हब के माध्यम से इसमें फंड आना चाहिए और हमारे OBC भाइयों का इसका फ़ायदा मिलेगा और लेना चाहिए। सर, DICCI जो आपकी संस्था है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे DICCI नेशनल SC/ST हब से कनेक्ट हुई, और कैसे आपने
प्रमोशन किया और आपने कुछ कार्यक्रम भी किए थे, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? DICCI का एक बड़ा मतलब एक बड़ा जर्नी रहा है। MP में तो 26 मई को इसका चैप्टर लॉन्च हुआ है, बट उसके पहले हम लोग यहाँ पे प्री प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे और सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी सारे लोगों को हमने यहाँ पे तैयार किया। उसके बाद बाकायदा एक समारोह में हम लोगों ने 26 मई को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसमें उन्होंने शिरकत किया, प्रेजेंट केंद्रीय मंत्री गहलोत साहब उसमें हमारे बीच में रहे, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हमने भोपाल में नूरे सभा होटल में ये ऑर्गेनाइज किया, जिसमें पूरे प्रदेश के करीब करीब 1200 उद्यमी उसमें शामिल हुए और उसका फ़ायदा वहाँ पे उन लोगों तक का, जिन लोगों ने जितने भी हमारे SC ST हब के हितग्राही थे उन्होंने लिया। और डिक्की जो है सर, मैं बताना चाहूँगा कि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ब्रिज की भूमिका अदा करता है। सपोज डेट जैसे हम मान लें कि NSIC है, MSME है, SIDBI है और SC ST हब है, तो जब भी हमारे हितग्राही होते हैं, सभी के अपने अपनी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम हैं, तो हम इन पॉलिसियों के माध्यम से जो योजना हमारे हितग्राहियों को बेटर लगती है उनको हम इसका लाभ पहुंचाते हैं। और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है स्टार्टअप स्टैंडअप योजना जो है वो हमारे फाउंडर हैं मिस्टर मिलिंद कामले जी, उनके द्वारा ही क्रिएट की गई, जिसको बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया सर, और उसके माध्यम से ये कि ये योजना बाहर निकल के आई, जिसमें MSME सेक्टर में काफ़ी काम हुआ जी, जी, जी। और उसमें 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का फंडिंग बनाया गया और मुद्रा लोन भी उसका एक पार्ट रहा और काफ़ी सारे हितग्राहियों को इसका फ़ायदा मिला, और अभी काम चल रहा है उसके अंदर, अभी काम चल रहा है। और कई सारे MOU हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में भी साइन हुए हैं, जो कि हमारे हितग्राही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर बीच में आती है तो हम उनके माध्यम से उसको रिजॉल्व करते हैं। और MOU साइन होने के साथ में ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि हमारे हितग्राही उन बैंकों में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे वो मना नहीं करते हैं, बैंक भी हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाता है सर। तो ये फायदा एक डिक्की के माध्यम से रहता है। और कई सारी स्कीमें जो हैं हमारे हितग्राहियों को पता नहीं रहती हैं, तो हम समय समय पे इन सब इंस्टीट्यूशन के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर बैंकिंग जो SIDBI है उनके साथ में, SC ST हब जो बना है उनके जो प्रभारी हैं अनिल थांगले जी, उनके साथ में समय समय पर हम इनके साथ में वर्कशॉप करते रहते हैं, ताकि स्कीम का पूरा लाभ हमारे अपने लाभार्थी उसका पूरा लाभ ले सकें, और हमारे बीच में कहीं कुछ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और हितग्राही के बीच में रहता है, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का जो ब्लैंक पार्ट रहता है उसको हम डिक्की के माध्यम से फुलफिल करते हैं सर। वेंडर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपने कुछ काम किया है, इवन आपके प्रयासों से यहाँ कुछ कार्यक्रम भी हुए हैं, तो कितना वेंडरों को फायदा हुआ, क्या प्रोग्रेस रही? ETII जो एक संस्था है, जो कि जिसका जो प्रीवियस 36 ईयर से ADIA काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट, इसमें सर अभी 3-4 डेज पहले हम लोगों का इसका एक प्रोग्राम वैष्णव स्कूल में रखा गया, जिसमें SC ST के करीब करीब 1000 स्टूडेंट उस कार्यक्रम में रहे और उन्होंने पार्ट उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया, जिसमें से नेक्स्ट डे करीब करीब 250-300 बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन किया। ADIA के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग, देन ब्रांडिंग और वेंडर लाइजलिंग, ये 3 पार्ट को उनके माध्यम से 5 डेज का एक वर्कशॉप के उसमें कवर किया गया। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जो कि खास तौर से एंटरप्रेन्योर को काफ़ी हेल्प कर रही है सर। अभी उनका ऐसा कहना है कि जो कि उनके रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर हनी मेवाती जी, उनके माध्यम से कि अप्रैल में जो हमारे SC ST के 4 लोकेशंस पे वर्कशॉप हुए हैं, जिसमें से एक जबलपुर रहा है, दूसरा भोपाल, ग्वालियर और सबसे लास्ट में इंदौर उन्होंने चुना है। चारों जगह से उन्होंने जितने भी SC ST के हम लोग के स्टूडेंट रहे हैं उनको समय समय पे उन्होंने इस योजना के माध्यम से और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से लाभ पहुँचाया है। और अभी भी जो वर्कशॉप है वो कल उसका समापन है, और आगे भी हम लोग हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे एंटरप्रेन्योर रहते हैं स्टार्टअप स्टैंडअप योजना में
या स्टार्टअप में जो फंडिंग होता है वो डिक्की के प्लेटफॉर्म पे हमारे SC ST के लोगों को इसका बेनिफिट मिले, और इस पे अभी प्रिपरेशन करना बाकी है। भविष्य में इस कार्य योजनाओं को हमने ध्यान में रखा है और EDIA के साथ में मिलके इस पे हम लोग कार्य करेंगे सर। जी, तो आज हमारे बीच में नरेश जी मुंद्रे जो कि DICCI के इंदौर चैप्टर के प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से नेशनल SC ST हब योजना पिछले 2 सालों से रन हो रही है और SC ST के बहुत सारे उद्यमी योजना का लाभ भी उठा चुके हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।